क्या तमाशा ये, आखिर क्यों कर रही हैं आप ये सब? न जाने किन उल्टे सीधे लोगों के हाथों बेवकूफ बन रही है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ और ना मैं किसी के हाथ बेवकूफ बन सकती हूँ। वो बहुत पहुंची हुई आलमा है, जब उसने कहा है कि मुझे इस तरह बच्चा हो जाएगा तो हो जाएगा। अरे जब तुम्हारा शोहर ही तुमसे राजी नहीं है, वो तो तुम्हें छोड़ना चाहता है, नफरत करता है तुमसे। सब ठीक हो जाएगा अम्मी, ये अलीना फरहान को पटियां पढ़ा रही है जैसे वो उर्वा उमैर को पढ़ाती थी। बस कर दें आप ही, बस कर दें फॉर गॉड सेक। आप कैसे उर्वा पे बोतान लगा सकती हैं? क्यों, क्या उर्वा का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है? तुम भी तो कहते फिरते हो कि वो तुमसे बातें कर रही है, अपने शौहर को छोड़ना चाहती है, तुम पे डोरे नहीं डाल रही वो? इसी वजह से तुम भी तो इतने बावले हुए हो। हाँ करती है वो मुझे मोहब्बत, मेरा दिल कहता है वो आज भी मुझे मोहब्बत करती है, उसके दिल में आज भी मेरी जगह है, आज भी वो मुझसे मोहब्बत करती है। भरा मैं आपका उमर, गलत फहमी है आपको। अपनी हद में रहो। देखिए उमर, औरत के दिल से अगर कोई मर्द उतर जाए तो वो वापस अपनी जगह नहीं बना पाता। आपको क्या लगता है आपके धक्काने से उर्वा आपसे मोहब्बत करेगी? वो सिर्फ नफरत करेगी आपसे, और आप चाह के भी उस नफरत को मोहब्बत में नहीं बदल सकते। उमर, खबरदार हाथ उठाए तो। आज के बाद ये बात मत करना, उर्वा के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उर्वा को चाहता हूँ, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। उमर, बकवास बंद करो अपनी। आप अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करें, आज हम जो कुछ फेस कर रहे हैं ना ये सब इनकी बदौलत है। चुप करो, मुझे ना बिला वजह बीच में डालो इसमें। ठीक कह रही है फरवा, अरे तुम ही जिम्मेदार हो अपना घर बर्बाद करने की भी और मेरे उमर की जिंदगी बर्बाद करने की भी। काश काश मैंने तुम्हारी कोई बात ना सुनी होती, काश मैंने तुम्हें अपने घर के मामलात में मुदाखलत करने से रोका होता तो आज मेरा बच्चा इस हाल में ना होता। तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी उमर, उसकी खुशियां तबाह कर दी तुमने। अरे खड़ी क्यों हो यहाँ, जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ दफा हो जाओ।